हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट आईक्यू। जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी लर्न 200 वोकैबुलरी वर्ड्स, तो उसमें आज है अपना सेट 7, जिसके अंदर हम ये 5 वर्ड्स करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के अपने सेट 7 के 5 वर्ड ये हैं। पहला है एंटेंगल्ड, सेकंड विशियस, थर्ड जियोपार्डी, फोर्थ ब्रोबीट एंड फाइव है क्लेमेंट। तो ये 5 वर्ड्स आज करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्ड से। तो जो अपना फर्स्ट वर्ड है एंटेंगल, उसका मतलब होता है उलझाना या फिर फंस जाना। इंग्लिश में इसका मतलब होता है टू इन्वॉल्व इन ए परप्लेक्सिंग और ट्रबलसम सिचुएशन, ठीक है। और इसके जो सेम मीनिंग है या सिनोनिम है वो है ट्विस्टेड, रावेल्ड और इंट्रिकेट। जो ट्विस्टेड है उसका मतलब होता है उलझना या जो घुमा हुआ हो, सीधा ना हो। रावेल्ड मतलब होता है उलझना और इंट्रिकेट मतलब होता है कॉम्प्लेक्स। इंट्रिकेट मतलब कॉम्प्लेक्स या फिर जो सीधा ना हो, मुश्किल हो समझने में। और इसके जो एंटोनिम्स है वो है स्ट्रेट फॉरवर्ड और अनरावेल्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब जो सीधा या सपाट हो, अनरावेल्ड मतलब सुलझा हुआ हो। और इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। दिस निर्भया केस गॉट एंटेंगल्ड इन नेशनल पॉलिटिक्स, मतलब कि जो निर्भया केस था वो राष्ट्रीय पॉलिटिक्स के अंदर उलझा हुआ रह गया। चलिए हम चलते हैं अगले वर्ड की ओर। अपना सेकंड वर्ड है विशियस। वीशियस मतलब होता है क्रूर या शातिर। इंग्लिश में होता है क्रूअल या वायलेंट। इसके जो सेम मीनिंग वर्ड है सिनोनिम्स वो है फेरोशियस, सावेज, रूथलेस, मर्सिलेस, बार्बरिक। जो ये फेरोशियस होता है इसका मतलब होता है क्रूर या ब्रूटल, और जो सावेज है इसका मतलब होता है जंगली। रूथलेस का मतलब भी क्रूर या वायलेंट होता है। मर्सीलेस का मतलब होता है जिसको दया ना आती हो या निर्दयी। बार्बरिक का मतलब भी होता है जंगली। चलिए अब एंटोनिम्स करते हैं। इसके एंटोनिम्स है एलिविएटेड, लाइटेंड, बेनाइन, सिंपैथेटिक और है टेंडर हार्टेड। एलिवेटेड का मतलब होता है हल्का या कोमल। लाइट का मतलब भी, लाइटनेंट का मतलब भी हल्का होता है। और बैनिंग का मतलब होता है नाइस या फिर गुड। सिंपैथेटिक का मतलब होता है दया करना। टेंडर हार्ट का मतलब होता है कोमल दिल। चलिए अब इनके एंटोनिम्स कर लेते हैं। अच्छा, ये एंटोनिम से थे ये। तो अब इसका हम एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं। एग्ज़ाम्पल है सिक्योरिटी फोर्सेस एंड मिलिटेंट्स आर लॉक्ड इन विशियस साइकिल ऑफ किलिंग्स। इसका मतलब ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिट्री वो एक बेहद दुखद मारामारी के अंदर, एक साइकिल के अंदर कैद हो गए थे। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपना जियोपार्डी। इसका मतलब होता है खतरा, इंग्लिश में रिस्क। सेम मीनिंग सिनोनिम्स हैं इसके पेरिल, एनलार्जमेंट, एम्पेरिलमेंट। जो पेरिल है इसका मतलब होता है जोखिम, एंडेंजरमेंट का मतलब भी जोखिम में डालना, एम्पेरिलमेंट का मतलब भी होता है संकट में डालना। और इसके जो एंटोनिम्स है
अपोजिट है वर्ड है वो देख लेते हैं। अपोजिट में है सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्रिजर्वेशन। सेफ्टी मतलब होता है सुरक्षा करना, सिक्योरिटी मतलब भी वही होता है सुरक्षा करना, प्रिजर्वेशन मतलब होता है बचाना। ठीक है, एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं। ड्राइविंग आफ्टर यू हैव हैड टू मच ऑफ ड्रिंक पुट्स योर लाइफ इन जियोपार्डी। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा ड्रिंक करने के बाद आप अपनी लाइफ को रिस्क में डाल सकते हैं। ओके, चलो तो नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ब्रोबीट। इसका मतलब होता है धमकाकर कोई काम करवाना। इंग्लिश में मीनिंग होता है टू फ्राइटन समबडी इन ऑर्डर टू मेक हिम हर टू डू समथिंग। इसका जो सेम मीनिंग है सिनोनिम्स वो है इंटीमेट, बुली, कोइर्स, कॉम्पेल या ब्लड गया। और इंटीमेट मतलब होता है धमकाना, बुली मतलब होता है बदमाशी करना, कोविड्स मतलब होता है फोर्स करना या मजबूर करना, कंपेल मतलब भी फोर्स करना होता है। जो ये है ब्लडगियों, ये एक टाइप का वर्ब है या इसे ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। ये टाइप की स्टिक होती है जो कि काम आती है मारने के, टू किल और बीट समवन। ओके, ब्लडगियों मतलब कि स्टिक होती है, एक टाइप की स्टिक या कि डंडी। ओके, इसके जो एंटनिम्स हैं, वैसे तो इसका कोई एग्जैक्ट एंटनिम्स नहीं है, और ये चार हैं जो इसके आसपास के एंटनिम्स हो सकते हैं। चीयर, कंफर्ट, कंसल, कंसोल या फिर सोलेस। चीयर मतलब होता है खुशी मनाना, कंफर्ट मतलब होता है आरामदायक, कंसोल मतलब होता है सुरक्षा करना, सोलेस मतलब भी होता है सुरक्षा, सॉरी कंसोल मतलब होता है हिम्मत बढ़ाना, और सोलेस मतलब होता है धीरज देना या फिर धीरज कह सकते हो आप। एग्जाम्पल कर लेते हैं। एल्डर सिबलिंग ऑफन ब्रोबीट्स द यंगर वन अंटिल द लेटर स्टार्ट्स क्राइंग। इसका मतलब ये है जो बड़े होते हैं, बड़े बड़े भाई, वो अपने छोटे भाई या बहन को जब तक धमकाते हैं जब तक वो रो ना पड़े। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। आज का लास्ट वर्ड है फिफ्थ वर्ड, जो कि क्लेमेंट। क्लेमेंट मतलब होता है कृपालु या मर्सीफुल। इसके जो सेम मीनिंग है वो है जेनियल, टेम्परेट, लेनिंट, फॉरगिविंग या मैग्नीनिमस। जो जेनियल है उसका मतलब होता है मिलनसार, टेम्परामेंट मतलब होता है सॉफ्ट सॉफ्ट या फिर नरम, और जो लेनियंट है इनका मतलब होता है दया करना, फॉरगिविंग का मतलब भी होता है दया करना, और ये है जो मैग्नानिमस, इसका मतलब होता है उदार उदार या उदारवादी। एंटोनिम्स है इसका हर्ष, हार्श, इनक्लेमेंट और स्टर्न। ये है, इनका मतलब होता है कठोर या निर्दयी। ओके, तो एग्जाम्पल कर लेते हैं। द काइंड वार्डन इंसिस्ट्स दैट ऑल हिज प्रिजनर्स रिसीव क्लेमेंट ट्रीटमेंट। जो वार्डन था, वार्डन ने इंसिस्ट किया कि जो उसके प्रिजनर्स हैं, कैदी है,
जो कैदी हैं उन पर मर्सी या फिर दया भावना दिखाई जाए, या उनको जो ट्रीटमेंट दें जेल के अंदर वो उदारवादी या दया वाला होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये थे आज के 5 वर्ड्स।